नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। रामनवमी सबसे पहले आप सभी को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम का जो धाम है उसका मोक्ष दायिनी अयोध्या नाम है, और रामनवमी पर सूर्यवंशी श्री राम को आशीर्वाद देने के लिए सूर्य देवता स्वयं पधारे। सूर्यदेव ने रामलला के माथे को चूमा और अपना आशीर्वाद दिया, और इस दौरान रामलला के जन्मोत्सव पर भक्तों ने बधाई गीत गाए, कहीं कीर्तन तो कहीं रामचरितमानस की चौपाइयां गूंजती नजर आ रही हैं। आलम यह है कि बालक राम के दर्शन की आस लिए देश और विदेश से श्रद्धालु अयोध्या नगरी पहुंचे हैं, और बताया गया है कि लाखों की संख्या में लोग रामलला के दर्शन के लिए लाइन में लगे हैं। और ये राम नाम की ही महिमा है जो दूर दूर से भक्त खींचे चले आ रहे हैं। ऐसे में राम और राम नाम की महिमा को हम कथावाचकों और ज्योतिषियों से समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि किस तरह से हम आम जन श्री राम की कृपा के पात्र बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अयोध्या, दिखाते हैं वहां की रौनक। संयोग के लिए अयोध्या ने 500 साल का धैर्य धरा, उस राम नगरी की प्रतीक्षा कुछ यूं पूरी हुई। रामनवमी पर अभिजित मुहूर्त के शुभ योग के बीच सूर्य की किरणों ने रामलला का कुछ इस तरह श्रृंगार किया। दोपहर 12 बजे जैसे ही सूर्य देवता का ताप रामलला के मस्तक तक पहुंचा, राम मंदिर परिसर शंख और घंटियों से गूंज उठा। सूर्य तिलक के इस श्रृंगार ने सूर्यवंशी राम की आभा में चार चांद लगा दिए। सूर्य के तेज से चमकते रामलला के मस्तक को देखकर भक्त खुशी से झूम उठे। जिसने भी रामलला के सूर्य तिलक का ये सौंदर्य देखा बस देखता ही रह गया। अयोध्या के भव्य मंदिर के बाद ये घटना विज्ञान और सनातन के कदम ताल की ऐसी अद्भुत घटना बन गयी जिसके गवाह खुद प्रधानमंत्री मोदी भी बने। रामोत्सव का सबसे भव्य उत्साह कनक भवन में भी नजर आया। यहाँ प्रभु राम के जन्म पर लोग नाचते गाते दिखे और एक दूसरे को बधाई भी देते दिखे। आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज, सोने को सब दिन सोने की रात, सोने को सब दिन सोने की रात, और सोने के कला से धराओ महाराज, सोने के कला से धराओ महाराज। जिस महल को कभी कौशल्या ने माता सीता को दान स्वरूप दिया था, आज वो कनक भवन प्रभु राम के जन्मोत्सव पर बधाइयों की धुन में मगन नजर आया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या ने रामनवमी पर इतना अलौकिक दृश्य देखा कि जो भी राम की नगरी में पहुंचा प्रभु राम का हो गया। राम जन का उत्साह है अयोध्या के कनक भवन में। यूं तो ये रामनवमी बेहद खास है राम को मानने वालों के लिए, क्योंकि 500 साल की प्रतीक्षा के बाद पहली बार भव्य मंदिर में राम का जन्मोत्सव हो रहा है। लेकिन जिस तरह का उत्साह अयोध्या के सभी मंदिरों में दिख रहा है वो अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि कलाकार गीत संगीत में मग्न है, नृत्य पेश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आस्थावान राम को ये भक्त यहाँ पर उनका साथ दे रहे हैं, और इस तरह से गीत संगीत और जो खुशी है, उत्सव है, उल्लास है, वो दिखाई पड़ रही है। ये बताइए आज का दिन कितनी खुशी का है, 500 साल के बाद प्रतीक्षा के बाद रामलला। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है अयोध्या में आकर। मैं हर साल आता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से कार्यक्रम होता है, यहाँ पे लाखों आदमी आते हैं। बहुत बताइए आज लग रहा है गीत संगीत जारी रहे, आज भगवान का जन्मदिन हो रहा है, सारे हाथ उल्लास के साथ मगन होकर के डांस कर रहे हैं। तो ये उत्साह है, ये देखिए फूलों की बारिश हो रही है, या पुष्प वर्षा राम के भक्तों पर हो रहा है। तो ये हम देख सकते हैं पुष्प वर्षा हो रही है, और बहुत ही अद्भुत उल्लास है, उत्सव का माहौल है। किस तरह से गीत संगीत में डूबे हैं राम के भक्त उसी कनक भवन में जो रामायण कालीन कहा जाता है। राम की नगरी सुबह से ही राम की धुन में मगन दिखी।
अपने आराध्य की झलक पाने राम भक्त दूर दूर से अयोध्या पहुंचे और यहां पहुंचकर उनकी खुशी देखते ही बनी। अयोध्या के लिए ये खुशियां अपने आप में अनमोल है, इसीलिए रामलला के भक्त उन खुशियों में सराबोर है, क्योंकि रामलला का जन्मदिन जो है, तो ये देखिए पहले ये अलग अलग ये गदा है और उस पे राम लक्ष्मण और सीता जी की ये देखिए तस्वीर बनी हुई है, और इधर देखिए करतल के सुर बज रहे हैं। कितना उत्साह है, बहुत आज हर्ष की बात है कि राम जी का जन्म उत्सव महोत्सव है, इसमें सब लोग खुशी है, इसमें हनुमान जी भी शामिल है, खुशी के लिए बहुत नाचते झूमते हैं, राम जी को रिझाते रहते हैं, जहाँ जहाँ कथा कीर्तन भजन कीर्तन होता है। सीता राम जय सीता राम जय। कितना उत्साह, इतना है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री राम कनक भवन सरकार के दिव्य दर्शन, गुरु जी के दर्शन, सरयू के स्नान, राम जन्मभूमि के दर्शन, जय हो, इतना है तो उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। केवल अयोध्या ही नहीं, रामोत्सव का रंग मुंबई तक नजर आया। मुंबई के इस्कॉन टेंपल में भी सुबह से ही राम की धुन में भक्त मगन दिखे। रामनवमी की धूम इस समय मुंबई में भी देखने को मिल रही है। सबसे पहले आपको दर्शन ही करा देते हैं। जी हाँ, वीडियो जर्नलिस्ट मंदार इस समय आपको तस्वीरों के माध्यम से श्री राम जी के दर्शन करा रहे हैं। आपको बताएं, इस समय हम मौजूद हैं मुंबई के इस्कॉन मंदिर में। हरे रामा हरे कृष्णा नाम से ये मंदिर बेहद मशहूर है। मुंबई का जुहू इलाका, जहां बॉलीवुड के तमाम सितारे रहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, उस जुहू बीच इलाके में कौन मंदिर है, और जहां इस समय रामनवमी बेहद ही अच्छे तरीके से मनाई जा रही है। तस्वीरों से आप देख पा रहे हैं कितना प्यारा सा झुम्बर है ये, और ये देखिए ये है श्रद्धालु भक्त जो सवेरे से ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी हाँ, राम भक्ति में बिल्कुल लीन है। अयोध्या ही नहीं बल्कि आज शहर शहर राम की धुन सुनाई दी। दिल्ली के हनुमान मंदिर में भक्त जुटे तो जय श्री राम के नारों से भक्ति का आकाश गूंज उठा। देश भर में आज भगवान राम के जन्मोत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। अयोध्या की तस्वीरें तो दिव्य और भव्य है ही, वहाँ पर भगवान राम का सूर्य तिलक किया गया। वहीं अगर बात हम देश के दूसरे मंदिरों की भी करें तो यहाँ पे भी तस्वीरें जगह जगह आपको भगवान जन्मोत्सव की तैयारियाँ नजर आएंगी। मंदिरों को पूरी तरह से सजा दिया गया है, मानो दुल्हन को सजाया जाता है, और भक्तों का तांता भी मंदिरों में लगा हुआ है। दिल्ली के प्रसिद्ध कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे होंगे। बरसों बाद अयोध्या राम नवमी पर त्रेता के उन संस्कारों को जी रही है जो युगों युगों पहले अयोध्या की परंपरा थी। भव्य मंदिर बनने के बाद रामलला के जन्मोत्सव पर अयोध्या इस बार अद्भुत अकल्पनीय उत्सव की गवाह बन रही है, और बरसों बाद एक बार फिर सूर्य देवता रामलला का खुद तिलक कर रहे हैं। इसलिए प्रभु राम के भक्तों के लिए ये पल दिव्य है, ये पल भव्य है। अयोध्या से शिल्पी सेन, संजय शर्मा, बलवीर सिंह के साथ मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और दिल्ली से नीतू झा, गुड न्यूज टुडे। चलिए, तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम की महिमा जानेंगे और साथ ही साथ सूर्य तिलक के बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पंडित विनोद भारद्वाज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, आचार्य जेपी सिंह हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, आचार्य चंद्रांशु जी महाराज कथावाचक हमारे साथ मौजूद है, महंत नवल किशोर दास हमारे साथ इस वक्त अखाड़ा परिषद से जुड़ चुके हैं, शिल्पी मेरी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त अयोध्या से मौजूद है। सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शिल्पी, आज तो जिसका इंतजार, जिस क्षण का, जिस पल का इंतजार भक्त पलक पावड़े बिछा के कर रहे थे, आज वही क्षण था 12 बजे जब सूर्य तिलक हुआ। किस तरह की रौनक आज आप अयोध्या नगरी में देख रही है, बताइए जरा। देखिए नवजोत, कहा गया है बरनी नजाई रुचिर अंगनाई, यानी जो आंगन की शोभा है उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, और बात जब दशरथ महल की हो या इसके प्रांगण की हो तो आप देखिए कि किस तरह से सजाया गया है। यूं तो पूरी अयोध्या की साज सज्जा की गई है, और मानो प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या का कण कण उत्सुक है, और यहाँ पर जो छटा है वो अलौकिक है। लेकिन दशरथ महल इसलिए खास है कि यहाँ पर राम अपने अनुजों के साथ
साथ यहाँ पर खेलते थे और वो जो बचपन की बातें हैं, वो जो बाल्यकाल का एक भाव है वो यहाँ पर नजर आता है। गुब्बारों से सजावट की गई है और फूलों से, खिलौनों से सजावट की गई है। तो विठ्ठल पांडे जी, पंडित विठ्ठल पांडे जी, यहाँ पर जो सजावट है वो हम देख रहे हैं गुब्बारों से की गई है। दशरथ महल है तो आज तो राम का जन्म हुआ है और ये जन्म बहुत विशेष है, विशेष तैयारी है आप? जी जी, बहुत विशेष तैयारी। सबको सादर जय सियाराम और रामनवमी की विशेष हार्दिक शुभकामना। क्या आपने सही कहा, बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेला ही नित चारु भाई। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भगवान राम का प्राकट स्थल राम जन्मभूमि सब पूरा संसार देख रहा है। विशेषतः भरत भैया, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया का प्राकट स्थल यही है। चारों भाई आज ही की तिथि पर प्रकट हुए हैं, तो भगवान राम वहां प्रकट हुए और भरत भैया, लक्ष्मण भैया, शत्रुघ्न भैया का प्राकट स्थल यही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सनातन धर्म की कल्पना करते हैं और मानव श्रृंखला की शुरुआत जहां से हुई मन और शत्रुपा के द्वारा, तो सबसे पहले मन और शत्रुपा जी ने यहीं से मानव सृष्टि की शुरुआत की थी। और यहीं पर राजा इच्छाकु राजा हुए, महाराज रघु हुए और इच्छाकु वंश के 63वें राजा के रूप में चक्रवर्ती मानवेन महाराजा राजाधिराज महाराज दशरथ यहीं पर हुए और भगवान राम यहीं सम्राट बने और यहीं से। अच्छा, आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि यहाँ पर भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी प्राकट्य उनका है। राम की अगर हम बात करें, श्री राम की, तो अनुजों के साथ उनका प्रेम, उनका जो एक पारिवारिक रूप है, उनका जो एक वात्सल्य का रूप है, स्नेह का साथ जो अपने भ्राताओं के लिए है, क्योंकि जिस तरह से राम जन्मभूमि में भी वो जो वस्त्र पहनते हैं, उनके जो अनुजों के विग्रह हैं पहले के, वो सब वही वस्त्र। तो यहाँ पर ये चारों भाइयों के लिए ही आयोजन और खासतौर पर जो विग्रह पूरे हमारे यहाँ भी चारों भाई हैं अंदर विग्रह में विराजमान हैं और उनके साथ में अपनी अपनी अर्धांगिनियों के साथ में विराजमान है। एक तरफ श्री सीता रमण भगवान है हमारे वैदेही रमण जी और एक तरफ है श्री राजीव लोचन जी, एक तरफ है भगवान श्री सीताराम जी जो कि एक राजसी वेश में है, एक वनवासी वेश में है। बिल्कुल, राजसी वेश में और वनवासी वेश में, यानी राम की जिस भी वेश में आप कल्पना करें, राम आदर्श हैं और दशरथ महल पर ये भाव, ये रूप और ज्यादा प्रखर होकर के दिखाई पड़ता है। और हम कह सकते हैं ये जो लोग हैं ये इस भाव को यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, उसके साक्षी। मैं लौटती हूँ शिल्पी आपके पास, मंद नवल किशोर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मंद जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई आपको। और आज यकीनन अयोध्या नगरी गदगद है और जिस तरीके से तस्वीरें आ रही, वो दिखा रही है किस तरीके से भक्त बेसब्री से आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। मन जी, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं, शायद ऑडियो म्यूट है वहां से। चले तब तक मैं चंद्रांशु जी महाराज को भी इंक्लूड कर लेती हूं। आज क्या कहेंगे, प्रभु श्री राम का जन्म और बाल्य रूप और किस तरीके से, जैसे सूर्य तिलक हुआ वो भी अपने आप में अद्भुत। बिल्कुल अद्भुत संयोग है और आज इस दृश्य को देखना ही अपने आप में जीवन की धन्यता को प्रदर्शित करता है। जैसा शुभारंभ के वक्तव्य में भी चैनल के माध्यम से भी हम लोगों ने सुना कि लगभग 500 वर्षों की जो चिर प्रतीक्षित अभिलाषा थी हम लोगों की, वही कहीं ना कहीं पूर्ण हो गई। जब भगवान त्रेता काल में उनका प्रादुर्भाव हुआ होगा, उस समय तो हम लोग रहे भी होंगे तो किस रूप में रहे होंगे वो तो ठाकुर जी जाने, पर इस बार इस दृश्य को देखना अपने आप में एक अद्भुत सुखद संयोग है। सूर्य तिलक की जहां तक बात है, ये भी अपने आप में इसकी परिकल्पना भी एक अद्भुत ही है, क्योंकि इस कल्पना के लिए ही कहीं ना कहीं कालिदास जैसा विद्वान जब लिखते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं कहना पड़ता है, क्वासुर प्रभु वंशा क्वचाल पर विषयामति तितिरखु दुष्टरम मोहद उडुपे नाश्मिसागरम। सूर्य वंश को लिखना इतना ही कठिन है, इतना ही मुश्किल है जितना कागज की नाव को लेकर के कोई समुद्र पार करे। जैसे कागज का नाव लेकर के समुद्र पार करना संभव है, ऐसे भगवान सूर्य के वंश का वर्णन करना बहुत एक अलग बात है। निश्चित तौर पर उस समय जब त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ था, उस समय का जो क्षण था, एक माह तक सूर्य भगवान रथ के समेत जहां खड़े थे वहीं रुके रहे, वहां से हिले तक नहीं। मास दिवस कर दिवस हुआ मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि
था कि वो निशा कवन विधि हुई। एक मास तक भगवान सूर्य चले ही नहीं, ज्यों के त्यों खड़े होकर के उस दृश्य को देखते रहे भगवान का जन्मोत्सव का। और अयोध्या की जितनी नर नारियां थी, वृद्ध बुजुर्ग जितने थे, सब उस हर्ष उल्लास में आह्लादित होकर के सब लोग नृत्य करते रहे, नाचते रहे, धूम मचाते रहे। एक माह तक किसी को पता ही नहीं चला कि एक माह से हम नाच रहे हैं, ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया था उस समय। तो निश्चित तौर पर अगर प्रत्यक्ष कलयुग में बात कहें तो कलयुग में प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान है, जिनका हम दर्शन कर सकते हैं, जल दे रहे हैं। और सूर्यकुल में भगवान का राम का जन्म हुआ था, तो आज सूर्य की किरणों से तिलक होना यह अपने आप में एक कल्पना जैसे ही हो सकता था, जो आज साकार होकर के हम लोग देख रहे हैं। कल्पना साकार हुई है युग में। चंद्राशु जी, मैं लौटूंगी। नवल किशोर जी, अगर आप तक आवाज आ रही है तो आप अपनी बात रखिए, बहुत खास दिन है आज का। जी जी मान जी, फिर से आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं, शायद कुछ टेक्निकल इशू है। लेकिन भारद्वाज जी, मैं आपके पास आते हुए, देखिए आज का दिन बहुत अहम है। हम जब बात पूजा की करते हैं, आज जिस तरीके से सूर्य तिलक हुआ और उसके बाद जब हम पूजा की बात करते हैं इस वक्त, अब क्योंकि अब चार बज चुके हैं, इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम होते हैं वहां पर और संध्या पूजा आज किस तरह की होती है, ये भी जरा डिटेल में बताइए। जी नवजोत जी, सबसे पहले तो निश्चित रूप से रामनवमी की आप सभी लोगों को बधाई। और हमारे आपके साथ जो भी लोग इस देश के और पूरे विश्व में हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं, भगवान राम उनका कल्याण करें। अवधपुरी मम अवध सुहावनी, उत्तर तट सरजू अति पावनी। निश्चित रूप से अहो भाग्य है कि हम लोगों ने अपनी आँखों से निश्चित रूप से यह अद्वितीय एक तरह से दृश्य को देखा। निश्चित रूप से भगवान राम का आशीर्वाद इस देश को ही नहीं पूरे संसार को प्राप्त हो, क्योंकि जब पूरे संसार को राम का आशीर्वाद प्राप्त होगा, रामलला का निश्चित रूप से आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो आदर्श की स्थापना होगी, अराजकता समाप्त होगी। देखिए, आपने पूजन का बात की, निश्चित रूप से बात की है, और पूजन मध्यान्ह का हो गया, यानी राम का प्रगट उत्सव हो गया। लेकिन सायंकालीन जो पूजा होती है वो विशेष मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सायंकालीन पूजा से उस दिन के पूजा की पूर्ण आहुति होती है, तो निश्चित रूप से धूप दीप नैवेद्य आदि आप निश्चित रूप से अपने पास में रखें। लेकिन उसके पहले अर्घ पाद्य आचमन और स्नान ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आपके पास जो भी आपके पास धूप दीप नैवेद्य आदि है उसे निवेदन करें, और जो भी आपके पास नैवेद्य के लिए फल मिष्ठान आदि है उसे प्रभु को निवेदन करें। लेकिन एक चीज बेहद महत्वपूर्ण है यहाँ पे नवजोत जी, तुलसी दल निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। बिना तुलसी दल के आप भोग ना लगाएं। और एक चीज और आवश्यक है जी, क्योंकि भगवान राम जी निश्चित रूप से नारायण के अंशावतार हैं। भोग लगाते समय, पूजन करने के बाद, आरती के समय शंखनाद जरूर करें। निश्चित रूप से शंखनाद से वातावरण तो शुद्ध होगा ही होगा। आपके घर में माता ऐश्वर्य दायिनी लक्ष्मी, बिल्कुल ऐश्वर्य भी और वातावरण शुद्ध होगा। जेपी जी, आपके पास आती हूँ। प्रभु श्री राम की महिमा की जब बात होती है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका जिक्र होता है, एक आदर्श कहा जाता है प्रभु श्री राम को। और अभी शिल्पी जहां पर मौजूद थी, देखिए वहां पर जहां जहां प्रभु श्री राम को स्थापित किया गया, वहां उनके जीवन काल बाल्यकाल से लेकर और अलग अलग क्षणों को दिखाया गया है एक तरीके से। और हर एक प्रभु के जीवन काल से हम कोई ना कोई प्रेरणा, कोई ना कोई शिक्षा जरूर ले सकते हैं। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और आज रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और जीएनटी के सभी दर्शकों को ये हार्दिक शुभकामनाएं कि वह यहाँ लाइव प्रोग्राम देख सक पाए और वह दृश्य देख पाए जिसके लिए युगों से लोग इंतज़ार कर रहे थे। वह प्रतीक्षा आज संपूर्ण हुई कि वह प्रकट आज हम देख पाए कि वहाँ उनका
राज तिलक हो रहा है जिस तरह से सूर्य से। अब इस तरह से अगर आप देखें उनकी महिमा की अगर आप बात करें, भगवान श्री हरि के सातवें अवतार माने जाते हैं राम। इक्वाशु वंश में उनके सूर्य के पुत्र हैं इक्वाशु, उनके पुत्र उन्होंने ये जो वंश स्थापित किया उसमें उन्होंने जन्म लिया। अब उनकी महिमा की अगर आप बात करें तो राम नाम की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि राम के अगर आप शाब्दिक अर्थ देखें, र अक्षर जो है अग्नि का है, म यहाँ अगर अ की बात करें तो वह है यहाँ पर जो अग्नि तत्व के साथ में सूर्य की बात करते हैं, और सूर्य के साथ में म जब जुड़ता है तो वहाँ पर आ जाता है चंद्र। तो ये तीनों का मिलान है राम, अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि हम कहते हैं कि दो बार राम नाम लेने से ही 108 की माला हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में आज जब सब लोगों ने उनकी अर्चना करी, प्रार्थना करी और यहाँ तक उस दृश्य को देखा, तो मैं समझता हूँ समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला वह दृश्य है। और जैसे अभी आचार्य जी ने बताया कि किस तरह से अर्चन करना है, किस तरह से वंदना करनी है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है तुलसी दल की जो बात कही गई। तुलसी दल इसलिए कि भगवान विष्णु को श्री हरि को तुलसी अति प्रिय है और उसका भोग देना अति अनिवार्य है। तो शाम के समय अगर वह भोग दें तो बहुत उत्तम होगा। महंत नवल किशोरदास हमारे साथ मौजूद है। मान जी, आवाज अगर आप तक आ रही है तो आज का दिन बहुत खास, बहुत अहम और प्रभु श्री राम की महिमा के बारे में क्या बात कर रही है आज आप? रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेदुषे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। मैं आपके माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र कौशल्यानंद के प्राजक्त की पूरे जगत को हार्दिक शुभकामना बधाई देना चाहता हूँ। भगवान श्री राम का प्राजक्त जीव मात्र के लिए मंगल कर्म का है, उसको निरता पवित्रता दिव्यता प्रदान करता है। आज इतने वर्ष के बाद भगवान निज भवन में विराजमान है और जिस कुल में परमात्मा का प्रकट हुआ, भवन भास्कर भगवान सूर्य ने स्वयं भगवान का अभिषेक किया है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुन केना पूर्ण आयुष देना, उस परंपरा को मानव निर्वाह किया हो, क्योंकि भगवान के प्रागट के समय भी जैसा भी लिखा है पास दिवस कर दिवस मरम में जाने कोई को समय पड़ खाते हो निशा सब राम तत्व को जो प्राप्त कर लेता है उसके जीवन में कभी अज्ञान का अंधेरा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल अविवेक हो ही नहीं सकता। संदेह उपासना से भर जाता है, उसकी वासना रूपी अंधेरा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। आज ऐसे मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार का प्रागत्य है। बिल्कुल बहन, आप जानते हो नौमी पृथ्वी पूर्णता का प्रतीक है जी। नौ के बाद कोई अंक नहीं है, नौ के बाद आप 10 लिखेंगे तो एक लिखा करके शून्य बनाना पड़ेगा, 11 लिखेंगे तो एक को दो बार लिखना पड़ेगा। ऐसी नौमी तिथि मध्य मास पुनीता शुक्ल पक्ष अवधित हर प्रीता मत दिवसत शीत न घामा आवन काल लोक विश्वामा। ऐसा दिव्य पावन काल जहाँ मेरे परमात्मा साक्षात ब्रह्म जगत का पालक बालक बन के आया, बिल्कुल सबको निजता प्रदान करने आया। ऐसी पावन भगवान के प्रागत को और अवध को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल प्रार्थना करता हूँ। मान जी रहिए हमारे साथ, रहिए हमारे साथ, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जेपी जी, आपसे भी जानना चाहूंगी, सबसे अहम हमारे अगर शास्त्रों में और सनातन में सूर्य को कहा गया है और आज सूर्य अभिषेक हुआ है, लेकिन इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर सूर्य अभिषेक होता है प्रभु का, तो किस तरीके से अयोध्या के इस सूर्य अभिषेक को आप देखते हैं? देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न है और आपने बड़े टेक्निकली वे में इसको पूछा है। देखिए, अगर आप कोणार्क के मंदिर की बात करें तो वहाँ सूर्य अभिषेक की बात करें तो सूर्य सामने प्रकट हो जाते हैं, पर वो साल में एक बार आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर रामनवमी के दिन पर अगर हमने सूर्य को डायरेक्ट सूर्य की किरणें नहीं आई हैं तो साइंटिफिकली मेथड से उसको अंदर भेजा गया है। और अगर सूर्य की महत्ता को देखें, सूर्य आत्मा कारक है। हम ये युगों की बात कर रहे हैं कि सूर्य वंश में पैदा हुए हैं और उसके कारण नहीं, इसके अलावा अगर ज्योतिष के माध्यम से भी देख लें, सूर्य आत्मा कारक के साथ में ज्योतिष में अगर सूर्य के स्थान को देखें तो यहाँ पर यशस्वी करता है सूर्य, मान प्रतिष्ठा को बढ़ाता है सूर्य। सूर्य के बिना किसी व्यक्ति का यशस्वी होना या समाज में प्रतिष्ठित होने की बात करी ही नहीं जा सकती।
तो यहाँ पर सूर्य द्वारा ये जो तिलक करना है या अभिषेक करना है, ये अपने आप में एक बहुत सुंदर बात है। अगर देखें राजा महाराजाओं की स्थिति देखें तो वह माणक्य लगाते थे अपने मुकुट के अंदर, और माणक्य सूर्य का रत्न है, और ऐसी स्थिति में सूर्य के यहाँ पर तिलक करने से यहाँ पर सीधी सी बात निकल कर आती है कि यशस्वी होते हैं, राम राज्य की स्थापना होती है। और हमारे भारतवर्ष में ये स्थिति देखने को मिल रही है। पिछले एक वर्ष से आप देख रहे हैं किसी तरह का भी कोई दोष नहीं मिल रहा है किसी भी त्यौहार पर। अगर आप देख रहे हैं कि सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में नहीं है, चंद्र ग्रहण है तो चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में नहीं है, तो प्रभु किस तरह से बचा के ले जा रहे हैं। जिस दिन से राम मंदिर की स्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है मूर्ति की, आप 22 जनवरी से लेकर आज तक देख लीजिए, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिल रही जिसके कारण हम ये कह सकें कि यह दुर्घटना हो गई या ऐसी स्थिति हो गई। हाँ, अब सीधा चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, आप वहीं पर हैं अयोध्या में। आज की अयोध्या और आज के इस पर्व पर अयोध्या कैसी दिख रही है बताइए, कैसे आप उसको बखान करेंगे अयोध्या को, जब हम त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ और आज जिस युग में है हम कलयुग में, और आज प्रभु अपने ही घर में जहां पर उनका जन्म हुआ है, कैसा अनुभव हो रहा है? चंद्रांशु जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? ऑडियो म्यूट है सर, ऑडियो म्यूट है चंद्रांशु जी। जी आवाज आ रही पर थोड़ी कम आ रही है आपकी मुझको। चलिए अपनी बात रखिए सर। निश्चित तौर पर आज का क्षण तो मतलब एक अद्भुत अभूतपूर्व क्षण है। मुझको एक दृश्य याद आता है कि जब भगवान राम का प्रगट हुआ उस समय अयोध्या के नर नारी प्रजाजन पशु पक्षी जड़ चेतन सभी प्रसन्न थे। भगवान राम भी पालने पर पड़े हुए थे। पूज्य डोगरे जी महाराज ने इस चर्चा को उद्धृत किया हुआ है कि पलने पर पड़े पड़े भगवान को सब देख रहे हैं और देवता लोग नवमंडल से भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। उस दृश्य को देख करके भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं, पर इतने पर भगवान देखते हैं कि सभी देवता तो वहां पर विराजमान हैं, परंतु वहां पर एक देवता नहीं है और उन देवता का नाम है चंद्र देवता। भगवान राम ने और ऊपर दृष्टि डाली तब उन्होंने देखा कि उन सभी देवताओं से अलग हटकर चंद्रदेव अलग खड़े हुए हैं और उनके आंखों से कहीं झरझर अश्रु प्रवाहित हो रही है। भगवान को बड़ा आश्चर्य लगा कि चंद्रदेव इतना उदास और निराश क्यों है। तो भगवान ने मानो पूछा चंद्रदेव से कि आपके उदासी का कारण क्या है, क्या मेरे अवतार लेने पर आप प्रसन्न नहीं हैं? उस समय चंद्रदेव ने कहा था कि दुनिया का कौन सा ऐसा अभागा व्यक्ति है कि आपके अवतार लेने पर खुश न हो जाए, फिर आपके आंखों में आंसू क्यों हैं? उस समय चंद्रदेव ने कहा था कि आप एक तो सूर्य वंश में जन्म लेकर के सूर्य भगवान का मान तो ऐसे बढ़ा दिया, फिर आप ठीक दोपहर को 12 बजे आपने जन्म ले लिया, और प्रभु आप जानते हैं कि मैं रात्रि का स्वामी राकेश हूं, जब तक सूर्य भगवान जाएंगे नहीं तो मैं दर्शन कब करूंगा। भगवान ने सांत्वना देने के लिए कहा, चंद्रदेव आप चिंता न करें, मेरा रामावतार तो सूर्य वंश में हुआ है, पर जब द्वापर में कृष्णावतार होगा तब सोम वंश आपके वंश में होगा। चंद्रदेव ने कहा, प्रभु न जाने कब वो द्वापर युग आएगा, कब आप अवतार लेंगे, आज आपने जन्म लिया है तो आज मुझको क्या मिला। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि चंद्रदेव चिंता न करें, ऐसे गुरुदेव वशिष्ठ जी तो मेरा नाम केवल राम रखेंगे, पर मैं आपको वरदान देता हूं कि लोक में मेरा नाम केवल राम नहीं रहेगा, आपके मेरे राम नाम के साथ में आपका नाम भी जुड़ा रहेगा और कृष्ण अवतार में भी मेरे नाम के साथ आपका नाम जुड़ा रहेगा। तब से आज भी जितने भी भक्त हैं श्री रामचंद्र भगवान की जय बोलते हैं और रोज अपनी अपनी स्तुतियों में लोग गाते हैं श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद कंजारुणम। इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र भगवान बन करके लोक में विराजमान। बहुत ही खूबसूरत आपने ये कथा का बखान किया है। हमारे साथ भारद्वाज जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, बड़ी खूबसूरत कथा चंद्रांशु जी महाराज ने बताई है। लेकिन भारद्वाज जी आज के दिन, क्योंकि कल हम चर्चा इस पर भी कर रहे थे कि रामनवमी है, दान का बहुत ज्यादा विशेष महत्व भी आज के दिन रहता है, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? निश्चित रूप से दान तो ऐसी वस्तु है, अनमोल वस्तु है, जो अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में पुण्य निश्चित रूप से बढ़ाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चे का जन्म होना तो दान दिया जाता है और वह दान उसके जीवन में उपयोगी साबित होता है, उसके भाग्य को बढ़ाता है और उसके उस बालक का जब भाग्य उदित होता है तो उसके कुल का यश उदित होता है।
तो राम लल्ला सबके लल्ला है। और राम लल्ला के लिए निश्चित रूप से अयोध्या में तो राजा दशरथ ने अपनी सारी तिजोरियों को खोल दिए थे कि ले जाओ जो कुछ भी जिसको ले जाना है ले जाओ। लेकिन हम लोग का निश्चित रूप से वैभव उस तरह से नहीं है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भगवान राम भक्ति को अधिक प्रसन्न करते हैं। आपने देखा होगा, चाहे जो सबरी हो चाहे उनके भाई भरत हो, हमेशा भक्ति की प्राथमिकता दी। तो सबसे महत्वपूर्ण तो है कि भक्ति भाव से युक्त होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पूजा अर्चना और नाम का कीर्तन करें। यदि आप कुछ दान करना चाहते हैं तो किसी जातक के जन्म के लिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, अगर कुछ भी ना हो सके तो वस्त्र का दान निश्चित रूप से देना चाहिए। और वस्त्र के साथ साथ यदि आपको ईश्वर ने समृद्धवान किया है, धनवान किया है, तो कुछ द्रव्य का भी दान करें। यज्ञ यजन इस दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। देखिए, अगर हो सके तो अभी तक आपने यज्ञ नहीं किया है तो यज्ञ आज के दिन जरूर करें, क्योंकि यज्ञ का फल। लेकिन उसका भी तो भद्रा जी समय होता है ना, यज्ञ सुबह ही किया जाता है या शाम में भी कर सकते हैं? नहीं, शाम में भी हो सकता है, क्योंकि त्रिकाल संध्या होती है और त्रिकाल संध्या में यज्ञ का निश्चित रूप से उल्लेख है। शाम के समय भी उस तरह की यज्ञ जैसे आप समझ रहे हैं ना, उस यज्ञ की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पूजन अर्चन के बाद एक उपले पे घी गुड़ या गूगल लोहबान आदि से निश्चित रूप से भगवान राम के मंत्र को जपते हुए ओम राम रामाय नमः, या जो भी आप जिस नाम से भगवान राम को आप अच्छा मानते हैं वह नाम से आप आहुति दें, आपका घर, आपका कुल, आपका वैभव निश्चित रूप से। नवल किशोर जी के पास एक बार सीधा चलेंगे। नवल किशोर जी, आज अयोध्या कैसी लग रही है, जरा उसका भी बखान कीजिए। देखिए, यहाँ साक्षात परमात्मा का स्वागत हुआ हो, यहाँ का नगर, यहाँ के नगरवासी कितने सुंदर होंगे। भगवान सबने कहा है सत्य प्रिय मोहे यहाँ के वासी मम धाम सुखरासी। किस नगरी की, यहाँ के नागरिकों की महानता दिव्यता पवित्रता साक्षात परमात्मा व्यक्त करते हो, वहाँ की महिमा वहाँ की सौंदर्यता वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं की जाती। फिर भी आज जब से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है भव्य मंदिर में, तब से निसंदेह भौतिक दृष्टि से बाहरी दृष्टि से भी अयोध्या का जो विकास हुआ है, निसंदेह हमारे योगी जी तो उसके प्रशंसा के पात्र हैं, मोदी जी प्रशंसा के पात्र हैं, यथा राजा तथा प्रजा का बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन गया है, बहुत बड़े विकास हो रहे हैं, तो बाहरी विकास भी हो रहा है। बोले जा रहे हैं उनकी सब व्यवस्था होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए। आज प्रतिष्ठा के बाद लाखों करोड़ लोग दर्शन कर चुके हैं, तो निसंदेह लोगों में जो आनंद है प्रसन्नता है, वैसे अयोध्या अध्यात्म दृष्टि से सदैव ही सौंदर्यवान थी, सदैव प्रसन्न थी, उत्साहवान थी, परंतु अब भारी दृष्टि से उसका विकास हुआ है, इसलिए मुझे लगता है निसंदेह प्रसन्नता के पास है। बिल्कुल, चंद्रांशु जी महाराज के पास चलेंगे। चंद्रांशु जी, एक और कथा हम जाएंगे कि सुनाइए आज प्रभु श्री राम की बाल्यकाल की। आज की कथा इससे बड़ी क्या कथा होगी। आप पूज्य महामंडलेश्वर जी को सामने सुनी रही हैं कि ये सामान्य कोई बालक ने आज अवतार नहीं लिया है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या किए गोद। इसलिए गोस्वामी जी ने भी गाया था कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारे अद्भुत रूप विचारे, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। आए कौन है,
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी अविनाशी, सुनत हीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विद कीन चाहे कई कथा सुहाई मात बुझाए, जे प्रकार सुत प्रेम लाए। ये जो भगवान बालक बने हैं तो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, जिनके एक एक रोए में अनंता अनंत ब्रह्मांड समाये पड़े हैं, और कहते हैं साधक कवि जी कह रहे हैं मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे, इतना असंभव काम हो रहा है जिनके एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके पड़े हुए हैं, वही कौशल्या के गोद में उनके उनके उदर में आकर के प्रकट होकर के आज नर लीला कर रहे हैं। सूरदास जी ने कहा ठुमक चलत रामचंद्र वाजत पैजनिया, भगवान द्रबहु सु दशरथ अजीर बिहारी ठुमक ठुमक कर करके दशरथ जी के आंगन में आज राम जन्मभूमि में वही भगवान चल रहे हैं। तो ये अद्भुत दृश्य हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोगों के जीवन की धन्यता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से चंद्रांशु जी आप कथाओं का बखान करते हैं। जेपी जी, अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं या हम कहें कि ज्यादातर लोग नहीं पहुंच पाए हैं आज के दिन अयोध्या में, इच्छा सबकी होती है कि वहां जाके दर्शन किए जाएं, लेकिन फिर भी अपने अपने घरों में लोग अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। वो लोग जो अभी तक पूजा अर्चना नहीं कर पाए हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए राम नाम की महिमा इतनी अति सुंदर है कि इसके लिए ना तो किसी मूर्ति की आवश्यकता है ना ही किसी मंदिर की आवश्यकता है। हाँ, अगर आपके मन में राम बसे हैं तो नाम बहुत है, नाम जप लीजिए, सांसों की माला पे राम का नाम जप लेना ही अपने आप में राम की अर्चना है, और किसी भी मंत्र विशेष की आवश्यकता नहीं, सिर्फ राम नाम। अगर आप राम नाम जप रहे हैं कहीं एकाग्रचित होकर बैठकर उनका ध्यान कर रहे हैं तो भी बहुत है, पर अगर आपका सौभाग्य है आप जा सकते हैं, और जीएनटी के दर्शकों का तो वैसे ही सौभाग्य है कि आप सुबह से दर्शन करा रहे हैं, और मैं तो देख रहा हूं कि जिस दिन से आप प्रगट हुआ, जिस दिन से स्थापना हुई, उस दिन से लगातार निरंतर कुछ भी होता है आप दिखा रहे हैं और उसकी चर्चा जरूर करते हैं। और जीएनटी को तो मैं वैसे भी एक ही डेफिनेशन देता हूं और वह है ज्ञान ट्यूटोरियल्स, क्योंकि यहां तो ज्ञान की चर्चा होनी ही है और वह चर्चा यहां निरंतर है, तो यहां पर भी दर्शन करके आप नमन कर सकते हैं, और ध्यान अवस्था जहां पे भी आपको मिल जाए आप कर लीजिए, राम नाम की महिमा अपरंपार। ध्यान बहुत जरूरी है। चलते चलते भारद्वाज जी एक आखिरी सवाल आपसे भी, आपने कहा कि शाम के वक्त जिस यज्ञ का जिक्र आप कर रहे थे आहुति जरूर देनी चाहिए, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं संध्या में? देखिए निश्चित रूप से संध्या कालीन आज के दिन तो निश्चित रूप से संध्या के समय भगवान रामचंद्र जी की एक माला जरूर करें, और जो अपने प्रभु का निश्चित रूप से चरण प्रक्षालन करके पूरे घर को पिलाने से निश्चित रूप से अमृत व्याप्त होगा, घर में खुशियां आएंगी, सुख समृद्धि आएगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, क्योंकि रामचंद्र जी महाराज ने एक शब्द कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निष्कपट हो करके छल छिद्र का जो दिखावा नहीं होना चाहिए, और यदि आप प्रेम से अपने प्रभु के पांव पखारेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, केवट ही आपको गति मिलेगी और निश्चित रूप से इस भव सागर से पार होंगे। और सबसे जरूरी बात भाव, भाव आपका अच्छा होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन रामनवमी पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है।